मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा ई टेंडर घोटाले की पोल खोली जा रही है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के ई टेंडर घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में दो और पूर्व मंत्रियों के तथा कई आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। जिन दो और मंत्रियों के नाम घोटाले में सामने आ रहे हैं उनमें रामपाल सिंह और कुसुम महदेले हैं। इसके अलावा 6 आईएएस अफसरों से भी इस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किए गए नरोत्तम मिश्रा के दो निजी सचिवों को कल कोर्ट में पेश किया गया था। ई टेंडर घोटाले में अब तक हुई जांच के आधार पर कुछ अज्ञात नौकरशाहों और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बताया जाता है कि 5 विभागों द्वारा जारी टेंडरों में टैम्परिंग की गई थी। अब इन विभागों के अधिकारियों को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू नोटिस जारी कर सकता है। ई टेंडर घोटाला मामले में अपने नाम आने पर तथा निजी सचिवों की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास इस मामले में उनके पास कोई सबूत है तो दिखाएं, मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, सरकार उन्हें बेवजह बदनाम कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।